दोस्तों वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय जंगल माना जाता है, क्योंकि इस जंगल में बायोडायवर्सिटीज का भंडार है। दोस्तों अगर जंगली जनजाति की बात करें तो हमारी अर्थ पर मौजूद कुल जंगली जनजाति में से लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले अमेजॉन जंगल में पाया जाता है। इस विशाल जंगल में 390 मिलियन से भी अधिक पेड़ तथा 16,000 से भी अधिक पेड़ की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है। शायद यही कारण है कि हमारी अर्थ का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेला अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इस ग्लोबल वार्मिंग की दुनिया में अमेजॉन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर इन विशाल जंगल का निर्माण कैसे हुआ था, तो चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इंस्टेंट सपोर्ट टीवी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का निर्माण आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले एक मास एक्सटेंशन की वजह से हुआ था। दोस्तों इस मास एक्सटेंशन में एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा हमारी अर्थ की सतह से आकर टकराया था। टकराव इतना महाविनाशक था कि हमारी अर्थ पर मौजूद लगभग 75% डाइवर्सिटी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई थी। हमारी अर्थ पर राज करने वाले डायनासोर का अंत इसी मास एक्सटेंशन के हादसे में हुआ था। डायनासोर के अंत पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, जो सटीक अमेजॉन जंगल के पास आकर गिरा था, और इस टकराव की वजह से अर्थ पर एक डस्ट की लेयर बन गई थी और अर्थ का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। लेकिन कई सौ सालों बाद डस्ट की लेयर धीरे धीरे अर्थ की सतह पर आने लगी और फिर से पेड़ पौधे उगने लगे, कई सारी नई प्रजातियों ने जन्म लिया। ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा जिस जगह पर गिरा था वो जमीन रेडिएशन के कारण काफी ज्यादा फर्टिलाइज हो गई थी और वहां पर पेड़ पौधे काफी तेज गति से उगने लगे और यही से अमेजॉन जंगल का निर्माण हुआ। दोस्तों इस जंगल का 75% हिस्सा आज भी ऐसा पाया जाता है जो हम इंसानों की पहुंच से बाहर है। वैज्ञानिकों द्वारा अमेजॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो सिर्फ 25% हिस्से को स्टडी करके बाकी की इंफॉर्मेशन अनुमान के तौर पर शेयर की जाती है। दोस्तों ये जंगल इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो ब्राजील 60%, पेरू 30%, कोलंबिया 10% और बाकी की सीमाएं वेनेजुएला, इक्वेडर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम से होकर गुजरती है। इस जंगल का क्षेत्र लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है। अगर जंगली क्षेत्र की बात करें तो हमारी अर्थ पर मौजूद कुल जंगली क्षेत्र में से लगभग 62% हिस्सा अकेले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ने कवर करके रखा है। दोस्तों ये देखने में आपको जितना घना और खूबसूरत दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक प्रजाति के जानवर इस जंगल के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर अमेजॉन जंगल में पाए जाने वाले जंगली जनजाति की बात करें तो हमारी अर्थ पर मौजूद हर 5 प्रजातियों में से एक प्रजाति अमेजॉन जंगल में पाई जाती है। इनमें से कुछ बेहद सुंदर और आकर्षित होती है तो कुछ बड़े ही खतरनाक और जहरीली होती है। जहरीली प्रजातियों की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इलेक्ट्रिकल व्हील, बुलेट अंट, पॉइजन डॉट फ्रॉग और ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों अमेजॉन की इन प्रजातियों पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करें अमेजॉन जंगल में पाए जाने वाले रिवर के बारे में तो बॉयलिंग रिवर और अमेजॉन रिवर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। इस बॉयलिंग रिवर के पानी का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो हमेशा उबलता रहता है। और बात करें अमेजॉन रिवर की तो ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी रिवर है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। दोस्तों इस अमेजॉन रिवर में 2000 से भी अधिक अलग अलग मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हील और पीराना को सबसे खतरनाक प्रजातियों की लिस्ट में गिना जाता है। आज तक का सबसे बड़ा अनाकोंडा इसी रिवर में पाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 47 फीट से भी अधिक है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस जंगल की गहराई में डायनासोर की प्रजातियां आज भी अपना राज करती है, लेकिन इस पर कोई खास एविडेंस मौजूद नहीं है।
इसके अलावा इस जंगल की गहराई में 400 से भी अधिक आदिवासी के अलग अलग समूह रहते हैं, जिसका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर रहने वाली ये जनजाति अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए बुलेट अंट को अपने हाथों से कटवाती है। दोस्तों आपको बता दें कि बुलेट अंट के दंश में जानलेवा जहर पाया जाता है, जिसके काटने पर हम किसी भी इंसान को रियल बुलेट लगने जितना दर्द होता है। और ज्यादातर आदिवासी लोग अमेजन नदी के किनारे रहते हैं और शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज की डेट में अमेजन रेन फॉरेस्ट की हालात काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि हम इंसानों की जरूरतों ने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हर साल लगभग अमेजन रेन फॉरेस्ट का 1000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा हम इंसानों द्वारा कट कर दिया जाता है, जो कि आने वाले समय के लिए एक बुरी खबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक भूवैज्ञानिक कॉर्लेस नोबर अमेजन रेन फॉरेस्ट पर पिछले 15 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, और इनका मानना है कि जंगल को इसी तरह से नष्ट करते रहे तो सन 2064 तक अमेजन रेन फॉरेस्ट एक श्रावणी क्षेत्र में रूपांतरित हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन रेन फॉरेस्ट का लगभग 70% हिस्सा हम इंसानों द्वारा कट कर दिया गया है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो को देखो और इंजॉय करो।